हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो जी अभी एक दो दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं, कॉलिंग या रिकॉर्डिंग कम आएगी हो सकता है। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें दोस्तों वही पेमेंट पेमेंट पेमेंट, ग्राहक अपना कंसर्न बता रहा है। हाँ सर वो तो ठीक है, आप पेमेंट बताइए सर, आइए सुनते हैं। हेलो मिस्टर हेमंत, हाँ गुड जी सर, आफ्टरनून। मैं स्पीकिंग विद मिस्टर हेमंत। हाँ जी बताइए। जी सर, जो ये बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल के एंडिंग में 1444 है। वेरिफिकेशन के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दीजिए सर। 1690 वेरीफाई करने के धन्यवाद सर। कार्ड के पर पेमेंट आपका ओवरड्यू है सर 72,544 रुपये का। सर क्या रीजन से पेमेंट डिले चल रहा है? मैडम रीजन अभी फंड इश्यूज की वजह से पेमेंट डिले चल रहा है। फंड इश्यू सबके बात थी, लेकिन आपने सर अभी 5 तारीख को बात की थी हमारे वन ऑफ कलीग से, तो आपने कहा था कि आप 5 यानी 6 मैंने उनको कल कहा यानी छह था तारीख को कि 3,111 का हाँ, पेपर दोगे उन्होंने सर। कहा था कि आप मिनिमम करा दीजिए। मैंने कहा सर देखिए मैं अरेंज होता है तो मैं जी कराता हूँ। उन्होंने कहा था आप मिनिमम 3,200 का पेमेंट करा दीजिए। फिर हाँ, तो किया मैंने आपने पेमेंट हाँ तीन हजार दो नहीं सौ का पेमेंट अभी नहीं किया क्योंकि पेमेंट वही मैंने बताया ना फंड है नहीं और मेरा जो सोर्स ऑफ सर? कब इनकम। करेंगे पेमेंट? आज पेमेंट की ड्यू डेट है, आज पेमेंट रिक्वायर्ड है मैडम सर। देखिए पेमेंट की ड्यू डेट तो है, अभी मेरे पास खुद ही फंड्स नहीं है जिस वजह से नहीं हुई है। और सर रहा ये नहीं है सर पेमेंट तो का, सर 4 तारीख को भी सेम चीज कही थी, मैडम आप पे वही तो करोगे बता लेकिन रहा हूँ कन्फर्म ना, है तो वही तो बता रहा हूँ। मैंने उनको ये नहीं कमिट किया था कि मैं कर ही दूंगा। मैंने कहा सर मैं अरेंज कर रहा हूँ कमिट जैसे, की बात ही नहीं सर, पेमेंट करना ही है आपको हाँ सर करना इसमें। है ठीक है। तो मैडम देखिए पेमेंट कभी रोका नहीं है, पेमेंट पहले भी हुआ है, कार्ड इतने टाइम से एक्टिव है पहले नहीं पेमेंट। हुआ है सर, 1 मिनट मैडम सर, पहले पेमेंट नहीं हुआ है। कब की आपने लास्ट पेमेंट बताइए ना आप सर। कार्ड की हिस्ट्री चेक कीजिए, कभी पेमेंट रुकी कार्ड है? की हिस्ट्री सर चेक किया हुआ, लास्ट पेमेंट हाँ आपने अक्टूबर में किया हुआ जी सर, मेरे पास, अक्टूबर के दस हाँ यही। अक्टूबर को कितने दिन हुए सर? 3 महीने हाँ होने को आए हैं। मैडम देखिए आराम से बात कीजिए जी, चिल्लाइए तो मत। तो सर आप आराम, जैसे आप बता नहीं रहे हो कि पेमेंट रुकी नहीं है, लेकिन पेमेंट किया भी तो नहीं ना आपने सर। आप बोलते हो सिर्फ कि आप पेमेंट कर दोगे, लेकिन पेमेंट करते नहीं हो सर। मैंने ये वही उनको बताया है क्योंकि अभी फंड्स इश्यू की वजह से ना मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं तो है फंड जिस वजह इश्यू सर से। मैडम कितने दिन से फंड इश्यू आपका सर? वही मेरे साथ चल नवंबर रहा है क्योंकि मेरे पास हो गया, जो था दिसंबर हो मेरा गया, खुद, अक्टूबर हो गया मैडम सर। वही मैं बता रहा हूँ वी मेरा एग्री सर, जो, आपके पास इश्यू है सर, लेकिन 3 महीने सर, मैडम तीन वही हजार तो बता रहा हूँ और कि होते मेरे हैं। पास, मैं आपका ये कार्ड ही क्लोज करा दूंगा अभी। मेरा जैसे ही फंड अरेंज होता है ना मैं इसका कब पूरा क्लोज कर? सेटल करा के जैसे भी अरे होगा। सर एक काम कीजिए ना, अभी आपको पूरा भरने के लिए भी नहीं बोला जा रहा है, ना ही आपको मिनिमम कहा जा रहा है कि आप 18,653 रुपये भरो। 3,115 रुपये का आज पेमेंट कर दो, कैसे भी करके हमें पेमेंट मैडम चाहिए सर, देखिए इमीडिएट अभी बेसिस पर, मैं, राइट नाउ चाहिए। ठीक है नहीं मैडम सॉरी आपको सर, चाहिए वो बात हमने ठीक आपको है, लेकिन पहले मैं पेमेंट सर, तभी कर सकता हूँ आपने जब मेरे पहले पास। भी कमिटमेंट मैडम सर, आपने फिर 28 तारीख को किस किस बेसिस पे आपने कहा था कि आप दोनों अकाउंट में पेमेंट कर दोगे? हर नहीं बार तो आप हमें मैं फेक दोनों अकाउंट का तो कोई कमिटमेंट देते हो। मतलब ही, मैडम अगर आप देखिए एक मेरी मिनट बात सर, सुनिए अगर मैडम, आप बोलते रहेंगे या मेरी सुनेंगे? नहीं सुनना तो तो फिर मत आपकी तरफ सुनिए। सुनते ही आ रहे हैं सर। नहीं सुन रहे ना सत्रह आप दिसंबर दोनों को भी अकाउंट कहा की था तो, आपने देखिए आप दोनों अकाउंट मंडे की को तो, पेमेंट करोगे। देखिए आप दोनों अकाउंट की तो बात मत कीजिए। जो दूसरे अकाउंट की आप बात कर रहे हैं ना, शायद 7898 जो है, वो तो कार्ड मैंने मंगाया ही नहीं, उस कार्ड के लिए तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया, वो मेरे घर पे डिस्पैच हो गया। और जिसमें कि मैंने उसमें आप तेरह वो सौ कोई क्या कार्ड नहीं उसमें है सर, वो आपका ना इंस्टा बाय ईएमआई अकाउंट है, कोई अपनी ईएमआई परचेस किया होगा ना, उसका पेमेंट है। कोई कार्ड नहीं नहीं है, नहीं वो नहीं एक मैंने तो डमी अकाउंट है वो सिर्फ। कोई ईएमआई नहीं पे परचेज ठीक है किया कोई मैंने। बात नहीं, लेकिन इस अकाउंट को तो पेमेंट कर, हमें सर कुछ नहीं पता आप कैसे अरेंज करना है कैसे नहीं करना है। आपको इतने दिन से कॉल जा रही है महीनों भर से, लेकिन आपसे 3,000 रुपये अरेंज नहीं हो पाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं सर। इतने दिन बहुत होते हैं अरेंज करने के मैडम लिए। देखिए जब किसी के पास एक सर फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं ना तो टाइम सर लग जाता है। फाइनेंशियल मैं क्राइसिस कभी कितने पहले होते हैं पेमेंट, सर? ऐसा तो क्या मैडम क्राइसिस है ऐसा कि 3 महीने से नहीं आप सारी नहीं चीजें है अरेंज मैडम, कर रहे वही तो हो? बता रहा हूँ ना, मेरा एक सोर्स मिनट ऑफ सर, इनकम अब उतना आपके नहीं डेली है। बेसिस, मैडम डेली डेली एक्सपेंसेस बेसिस पे सर तो सर आप मैनेज बात करो मत ना। कीजिए। देखिए डेली क्यों बेसिस पे ना तो बात आप करें उससे नहीं सर, कंपेयर कर आप सकते हैं ना। कार्ड का डेली बेसिस पेमेंट का आपके कंपेयर पेमेंट की कर वजह से ही सकते ऐसा हैं। नहीं है ना, डेली बेसिस बंदा जाके कहीं फांसी पे लटक जाएगा। डेली बेसिस की क्या बात करते हैं आप, क्या मतलब है डेली बेसिस? तो सर नहीं 3 महीने से डेली कार्ड का बेसिस का पेमेंट नहीं क्या, किया है। कहाँ पे लिखा हुआ डेली बेसिस की क्या कमिटमेंट करते हैं आप? डेली बेसिस क्या बंदा क्या रेड की पटरी पे जाके लेट जाए? पेमेंट आपका कभी ये रोका है? मैंने लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ फाइनेंशियल इशू पेमेंट है, मेरी खुद रिकवरी किया भी तो के नहीं है ना लिए। सर आपने पेमेंट? मैडम पेमेंट अभी नहीं दिया है ना, पहले तो बिल्कुल टाइम टू टाइम पेमेंट हुआ है ना। कार्ड की हिस्ट्री देखिए मेरे पास है, अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम है, मैं खुद, मेरे अकाउंट से फ्रॉड्स हुए थे, मेरा जितना भी पैसा था सब लॉस हो चुका है। अब मेरे पास फाइनेंशियली जो है मैं सोर्स आपके ऑफ पास इनकम इश्यू भी कब नहीं से आ रहा है। है सर?
ये मैडम पेमेंट का मैं इशू कब से तभी आया था, से कौन ही वही चल रहा है मेरा, से मंथ इसमें से इशू आया आपको ऐसा पेमेंट का? इशू तो मैडम ये मेरा चल रहा है वही लगाइए अब सितंबर से ही चल रहा है। तो फिर आपने अक्टूबर में कार्ड क्यों यूज किया फिर आपने सर, मैडम एक ऐसा था अक्टूबर ना, दो हजार मुझे बाईस ये को था ना कि नहीं हाँ हो आपको सर जाएगा यूज, जैसे अरेंज हो जी इतने टाइम से यूज पहले करते। ना ऐसा नहीं हेलो होता सर, हमें कुछ नहीं पता मैडम, आप देखिए पेमेंट का ऐसा है, मेरे को आपका ड्यू रखने का वैसी कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे ही मेरा थोड़ा अरेंज ड्यू रख होता ही है रही हो ना सर, पेमेंट भी तो नहीं मैं कर रही हो ना इसको सर। बिल्कुल क्लोज करा दूंगा, और जो दूसरा अकाउंट है वो तो अननेसेसरी एक्टिव है, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं अभी सकता। नहीं पे कर पा रहे हो तो मैडम आगे कैसे पे करोगे? आप हमें तीन करेंगे, महीने अभी से थोड़ा सिर्फ सा टाइम कमिटमेंट दे चाहिए। रहे मैडम हो देखिए अभी तो सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, मेरे पास कोई यू आर सेविंग भी गिविंग अ नहीं फॉलिंग है। पे सर, तो आप एवरी टाइम कमिटमेंट क्यों देते हो? सीधा साफ साफ मैडम बोल दो मैंने ना, कोई आपके कमिटमेंट नहीं पास दिया पैसे आप, नहीं है वो तो मैंने एक पे उनको सर को भी बताया था। सर, यहाँ पे जो चीज है ना वो नहीं कैसे ऐसी नहीं मेंशन होगी मैं तो सर। आपको भी यही, अब आप लोग क्या सिस्टम में मेंशन करोगे मुझे नहीं पता पहले भी ना, आपने मेरे आप से बात सिस्टम करी में है, क्या पहले भी आपको कॉल गया, आपने कहा कि आप अरेंज करके पे करोगे लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया। तो आपको यही चीज कहा था कि सर पेमेंट की जो डेट है उस डेट तक पे कर देना, आपने कहा ठीक है पे कर दूंगा मैंने ये कहा कि अरेंज हो जाएगा तो मैं बिल्कुल पे करूंगा, लेकिन वो नहीं सर। हो रहा तभी ना अरेंज बोलते हो कि मैम। आप, अब और पैसा आपने ऐसा सर तो है पहले नहीं भी ना। बात की तो आपने कहा ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, फ्रॉड परचेस तो है नहीं सर, ये आपके ये तो आपने खुद ने परचेस किया है। कौन सा फ्रॉड ट्रांजेक्शन है? जो आपने अभी सब नवंबर में आपने बात की आपने कहा ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, बताइए। नहीं, मैंने ये कहा मेरे अकाउंट से कुछ फ्रॉड्स हुए थे जिसका पैसा कि मेरा लॉस हो गया अकाउंट से, मैंने अपने अकाउंट का बोला है, ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं बोला है मैंने। सर हमें कुछ भी नहीं पता आपको कैसे करना है, कैसे अरेंज करना है चलिए आपको, मैम जितना आपको जल्दी होगा कर देंगे, बाकी अभी तो इतना मैडम जल्दी है नहीं सर, इमीडिएट मैडम, पेमेंट चाहिए अभी, राइट इमीडिएट नाउ तो नहीं पेमेंट है करना है मैडम, आपको सर। नहीं है क्यों मैम, नहीं है सर? मैडम 3 महीने नहीं से है तो आपने हमें नहीं है मैडम, कमिटमेंट दिया हुआ है सर, 10 नवंबर को भी आपने कहा कि पेमेंट आप 3,120 रुपये का पे कर दोगे सर, 3,000 रुपीज आप 3 महीने से मैम भर नहीं पा रहे हो देखिए सर, किसी के पास आगे जब चल के इश्यूज अप्रैल में होते हैं ना, कैसे क्लियर 3,000 करोगे? क्या उसके लिए 30 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी मेरे पास ऐसा सोर्स ऑफ नहीं है इनकम सर, और आप कुछ भी महीने में नहीं अगर है। आप 1,000 रुपये भी सेविंग करते ना कार का पेमेंट सोच के, यहाँ कार का पेमेंट बाकी मैडम को वही तो भरना कह है, रहा हूँ, मेरी तो आज सारी आपका सेविंग ही तो 3,000 रुपये डूब हो गई जाता मैडम, सर। वही तो बता रहा हूँ, सर मेरी सारी सेविंग ही तो डूब गई। आपका कहीं तीन अगर महीने पैसा बहुत चला होते हैं जाएगा, सर। कहीं अकाउंट से सर एक फ्रॉड काम हो कीजिए जाएगा। ना, आपके फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स कोई सब तो होंगे ना सर, मैडम उनसे नहीं, अरेंज कर लो सर, कहीं से नहीं हो पा रहा मैडम, अगर हो जाएगा तो मैं खुद ही हो पेमेंट जाएगा कर दूंगा। इतना 3,000 रुपये सब कोई भी दे देगा आपको अरेंज करने पे सर, आप उनको बोल दीजिएगा कि पेमेंट आपका आप बाद में दे दोगे। मैम 3,000 क्या, मैं आपका ये है ना जो पूरा कार्ड ही मुझे क्लोज करना है, पूरा ये नहीं सर, जैसा ही सेटल अब होगा। पूरा नहीं नहीं मैं थ्री सर थाउजेंड पूरा बैठ के क्या भरिए मत करूंगा। अभी, नहीं अच्छा मैं पूरा एक मत बार एक चीज भरिए बताइए, नहीं सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं कहीं से अरेंज करता हूँ 3,000, क्या नेक्स्ट मंथ आप पेमेंट नहीं मांगेंगे? मुझे तो बोल दो, आप मांगेंगे ना कमिट कर सर, दो, मुझे एक मेल पे दे तो दो नेक्स्ट मंथ से, आप मेरे पेमेंट तो जब मांगेंगे तक ना सर मेरा नहीं, आपको सुनिए सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं आपको 3,000 आज कहीं से कैसे अरेंज करके आप लाता हूँ, सर क्या आप मुझे मेल सीधा पे दे पे दो रिटर्न कमिटमेंट दे में कि रहे आप हो नेक्स्ट मंथ मुझे कॉल नहीं करोगे जब तक मेरा इशू ना क्लियर हो जाए? मैं खुद मैडम और अपने पैसे की रिकवरी के लिए खुद मैं पुलिस स्टेशन चक्कर काट रहा हूँ, जो कि मेरा जो लॉस था तो सारा पैसा आपका उसमें लुक डूब आउट है, चुका। आपका कंसर्न है सर, वो हाँ हमारा मेरा नहीं है, कंसर्न है, मैं तो कह रहा हूँ आपका कंसर्न नहीं है, मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप उससे बैंक ने सही है? आपकी फाइनेंशियली लॉस देख के आपको कार्ड नहीं दिया था यूज मैडम करने के बैंक लिए, ने मेरा और फाइनेंशियल, सुनिए सुनिए, मेरा बैंक ने अगर जो मुझे कार्ड दिया था ना, मेरा इनकम सोर्स ऑफ इनकम देख के इनकम है इस बेस पे कार्ड दिया था, अभी मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बचा तो बताइए। तो फिर आपने कार्ड की यूज किया, फिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही था, तो आपने अक्टूबर में कार्ड की मैडम यूज किया, देखिए आपके पास काम तो एकदम कभी पैसा है किसी ना, को नहीं पता था, आज एकदम आप जॉब कर बताइए रहे हैं ना, कल नहीं जा नहीं रहे, पता ऐसी नहीं बात नहीं आज है आप सर, जॉब कर रहे हैं आपको कल नहीं जा आपके रहे, पास किसी कोई सितंबर भी से इशू हो इशू है ना, सकता है। मैडम आपको फ्यूचर का यूज किसको करने पता है? के लिए आपको सोर्स पता है ऑफ इनकम फ्यूचर ना, में क्या क्योंकि होगा? पेमेंट कैसे भरूंगा? आपको नहीं पता है आपने फ्यूचर सर, का, आपको पता है मैडम क्या होगा? आपने अभी मैडम बोल दिया अगर था कि इस बेस पे तो ऐसे सितंबर तो फिर बैंक को भी कार्ड नहीं देना इस चाहिए बेस था। पे नहीं सर, नहीं नहीं फिर सर तो आप बैंक को सर भी कार्ड एक नहीं तो देना मेरे चाहिए था, अगर नहीं फिर कैपेबिलिटी तो ना हो बैंक को ना भी मेरे कार्ड को नहीं कार्ड देना यूज चाहिए भी था मत ना, करो सर, जितनी जरूरत मुझे कार्ड की थी उससे ज्यादा तो बैंक को भी थी, क्योंकि उनको अर्निंग करना था, बैंक को भी कार्ड नहीं देना चाहिए था अगर फ्यूचर उनको भी दिख रहा था या मुझे भी दिख रहा था। मैं आप लोगों को वही चीज समझा रहा हूँ, आपको पेमेंट बैंक पेमेंट ने नजर आपको आता है ऑफर किया था कस्टमर कार्ड का। लेने का सर, नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं तो आपने किया ना, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या आपको जबरदस्ती कोई कार्ड देता आपको, फोर्सफुली क्या कार्ड देते आप आपको? लोगों के कॉल यहाँ से ही 10-10, 50-50 बार कॉल आती है, सर ले लीजिए, सर तो ये सर कर अभी भी लीजिए, आ रही है, मैं किसी कॉल के तक डोर तो स्टेप पे अभी नहीं भी गया था पेमेंट कार्ड बाकी मांगने है, के कॉल लिए। मेरे के लिए सुनिए भी आ रही है, सुनिए पेमेंट तो आप, नहीं कर रहे हो ना सुनिए आप, सुनिए मेरी तब बात तक कार्ड कैसे सुनिए। ले लिया फिर? नहीं मैं आप जैसा आपकी बता रहे गलतफहमी हो, दूर कर दूं, दस मैं दस किसी के डोर पंद्रह स्टेप पंद्रह पे नहीं गया कॉल था आए हुए हैं सर, कार्ड लेने के लिए, मैं किसी के डोर स्टेप पे नहीं तो गया कार्ड था ना, लेने के बैंक लिए के कॉल पास आया गया था था, ना, बैंक तो खुद कार्ड मेरे आपने पास ले लिया आया ना, था। पेमेंट के लिए कॉल आया था, पेमेंट कर रहे हो ना, दिन में आपको कितने कॉल आ रहे, पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो ना,
तो पेमेंट भी करो ना, तो जैसे अपने कार्ड लिया ठीक है पचास मैडम, सौ कर वाला देंगे क्रेडिट कार्ड, पेमेंट, सौ वाला इसको के साथ पेमेंट सेटल भी करो करके ना, पूरा खत्म ही करेंगे तब मैडम, तो चल पेमेंट करो। तीन फिर हजार कौन सा टाइम ऐसा पेमेंट भरने का आपके? करते हैं मैडम, मतलब 3 महीने सेटल से करते हैं, आपके पास 3,000 रुपये अरेंज नहीं हो पाए, इतने दिन बहुत होते हैं करते हैं सर मैडम। अरेंज आप करने अपने के साइड लिए। से देख लीजिए जितना जल्दी जो सेटल हो सकता है क्या इसको आपके करा के साइड से क्लोज कर दीजिए। सेटलमेंट नहीं होगा सर, नहीं मिल कोई पाएगा बात सेटलमेंट, नहीं, आपको मत पूरा ही कीजिए भरना मैडम है। अभी। हाँ ठीक है, भर देंगे अभी, पूरा अरेंज होने दो, पूरा भर देंगे। ठीक है मैम, अरेंज सर आप पूरा पूरा तो अरेंज भर होने दो, दीजिए पूरा अभी भर के राइट कार्ड नाउ खत्म कर सर, देंगे मैडम। हमें आप इमीजिएट 3,200 रुपये भर दो मैडम आप तीन सर हजार बस तीस रुपए भी नहीं है अभी तो आप 3,000 सर, 200 की बात कर रहे हो। आप इंटेंसली पेमेंट नहीं करना चाहते, आपके पास पैसे चलिए हैं लेकिन मैडम, आप भरना नहीं चाहते हो। आपको अगर ऐसा लगता है तो इंटेंशन तो मेरी पिछले 3 साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे तो तब से ही नहीं करनी चाहिए थी फिर, मुझे तो तब से ही नहीं करनी चाहिए थी अगर मेरी मिनिमम इंटेंशन तो ऐसी सर थी। आपने नहीं प्रॉपर मिनिमम पेमेंट कभी देखिए नहीं ना, किया आप हुआ मेरी सर, ये हिस्ट्री हमारे देखिए, पास भी मिनिमम क्या, रिकॉर्ड मैं है। तो पूरी पेमेंट करके ही खत्म करता हूँ, लेकिन अभी मैं इतने आपने बड़े फाइनेंशियली क्राइसिस में आपने हूँ। पहले पूरी पेमेंट नहीं की तो आप पेमेंट क्या करोगे आप सर? मैडम पूरी पेमेंट कब से नहीं की, अक्टूबर मंथ से नहीं की है ना, उससे पहले की हिस्ट्री आप चेक कीजिए कितने सर टाइम से चेक मेरा किया कार्ड हुआ है, एक्टिव है। मिनिमम पेमेंट करते हो सर, टोटल अमाउंट भी क्लियर नहीं करते हो आप सर, सब पता है सर, मैडम रिपोर्ट सारी आपको चीजें में मालूम है। मिनिमम किया भी होगा, बीच में एक आध मंथ जब नहीं हुआ होगा फंड अरेंज तब किया होगा, आपको तो आपका ऐसा नहीं इंटरेस्ट हुआ, मिल गया ना, मिनिमम में मिल गया ना, इंटरेस्ट की ड्यू बात ही नहीं है मिल गया ना, सर। इंटरेस्ट मिला ना, नहीं मिला तो बोलो नहीं मिला, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी जो लास्ट पेमेंट कौन अभी ड्यू है सा वो इंटरेस्ट अक्टूबर से मिला? ड्यू है ना मैडम, तो बस। अक्टूबर से ड्यू नहीं है सर, पहले से ड्यू है, पहले का भी चलिए कुछ मैडम, पेमेंट आपको बाकी है इंटरेस्ट मिल और रहा था ना, अक्टूबर में आपको आपने जो आपके यूज किया आपके बैंक को सर, इंटरेस्ट ये ना मिल आप रहा था ना। इंटेंसली पेमेंट नहीं कर रहे हो चलिए सर, मैडम, क्योंकि आप कोई नहीं, अगर आपको लगता है मेरी इंटेंशन ऐसी है कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए बाकी या देख तो आपका लेंगे। पेमेंट करने की, अगर आपका पेमेंट करने का इंटेंशन होता तो आप 3 महीने में इतने सारे आपने कमिटमेंट दिए ना, नहीं, अगर अभी मेरा तक पेमेंट आपने करने पेमेंट का कर दिया इंटेंशन होता नहीं होता ना मैडम, कार्ड लेने के बाद सर, में ना आपको पेमेंट कमिटमेंट सारी ही नहीं निकाल थी के ना, आज तक पे भी नहीं आपको करता, एक रुपए कमिटमेंट भी नहीं पे देखी भी नहीं करता, थी, अगर आपको मेरी कमिटमेंट इंटेंशन नहीं होती देखी थी। ना। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, आपको साफ साफ बोला था कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपको कमिटमेंट नहीं दी। कभी बोलते हो कि पेमेंट आप अरेंज किसने करो, बोला था आपको अभी सर पेमेंट नहीं कर पाओगे आपने जब कार्ड थर्टी दिया फर्स्ट था। दिसंबर को बात की तो आपने क्या कहा आप पेमेंट मैम अरेंज बात करके तो पे मेरी करो, रोज 5 बजे कॉल बात करो। तो होती क्यों कहा रहती है। आपने ऐसा, क्यों क्या कहा कहा आपने था, ऐसा क्या कहा था, कि 5 31 दिसंबर को बात की ना आपने हमारे कलीग से, क्या कहा आपने कि आप पेमेंट अरेंज करके भर रहे हो, 5 बजे कॉल करो, क्यों कहा आपने ऐसा? मैंने तो नहीं आपके कहा, पास मेरा कॉल पेमेंट रिकॉर्डिंग है हो आपके पास, कहाँ से सर, किस सभी ब्रांच से रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, होती है, निकाल लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग, आप मत बताइए मुझे सर, सारे भेजिए, मुझे भेजिए रिकॉर्ड्स ना है कॉल ना सर, रिकॉर्डिंग, मुझे भेजिए, आप किस सर ब्रांच से बात कर रहे हो, मुझे भेजिए कॉल रिकॉर्डिंग, मुझे बताइए हम अगर मैंने ब्रांच से ऐसे कहा बात नहीं, था। कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात हाँ कर रहे आप हैं कहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग तो होगा कलेक्शन में या कुछ भी नहीं होता, और व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस करते हो घर आने के धमकी देने के, ये किसने आपको ऑथराइज करा है जी क्या, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस करते हो कि घर सर, आएंगे व्हाट्सएप तुझसे कर दिया पेमेंट सर, हमारे लेंगे, ये यहाँ पे किसने नहीं है ऑथराइज सर, करा है आपको बैंक से अगर आपका किस। अकाउंट कलेक्शन में आया ना हाँ तो बैंक भी भेज अरे सकती है। कलेक्शन वाले कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है जो धमकियां देंगे, कलेक्शन वाले हैं तो आपके ही है ना, नहीं पेमेंट नहीं आया तो आप लोग क्या धमकी दोगे, अनऑफिशियली व्हाट्सएप पे मैसेजेस करोगे कॉल करोगे, किसने ऑथराइज कराया आपको इस चीज के लिए, ऐसी है कोई सर्विस नहीं है सर, नहीं दी जा रही है कलेक्शन ना, है सर, ऐसी सर्विस दी जा रही है आपके यहाँ से, किसने किया ऑथराइज, मैंने तो कहा उनको ठीक है आओ तो सही, आओ तो सही फिर देखते हैं। अरे मैडम कस्टमर से है ना एक बॉन्डिंग बना के रखी है, ये नहीं कि पेमेंट 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 पेमेंट, सर अरे अगला बंदा किसी के पास बॉन्डिंग नहीं है आपने ऐसा। बनाई है, बॉन्डिंग मैडम आपने बनाई है, बॉन्डिंग नहीं फॉर बनाई वन तो, ईयर महीना, सुनिए 3 महीने मैंने, से सुनिए पेमेंट सुनिए किया, सुनिए तीन मेरी बात सुनिए, महीने मैंने से अगर पेमेंट किया बॉन्डिंग मेरे आपने मैंने बनाई ना, बॉन्डिंग आप नहीं किस बनाई बॉन्डिंग तो की मेरा, बात कर रहे हो सर? मैंने बॉन्डिंग नहीं बनाई तो 3 साल से कार्ड चल रहा था आपको, पहले साल में ही कैंसिल कर देना चाहिए था, क्यों दिया आपने, क्यों दिया आपने, पहले ही कैंसिल कर देते, नहीं बॉन्डिंग बनानी थी तो सर पहले ही आप कैंसिल कर अनएथिकल की देते ना बातें क्या मैम। आर्गुमेंट्स कर रहे हो, आप नहीं पेमेंट कर दो, आर्गुमेंट्स तीन मैडम रुपये आप पे कर ना रहे हो, बात करें, आप मतलब समझ ही नहीं रहे ना उस चीज को, आप कर रहे हो बिना क्या नहीं समझ अननेसेसरी रहे की बात सर, से। 3 महीने में आपका अकाउंट एनपीए में जाता है सर, 3 महीने मैडम से डाल पेमेंट दो, नहीं किया, एनपीए डाल एनपीए दो, में से जो आपका करना है अकाउंट एनपीए डाल दो, है राइट ऑफ डाल दो, मेरे पास सर, जैसे आपने पेमेंट हो एनपीए जाएगा मैं में कर दूंगा, पेमेंट कोई नहीं करना चाहते तो आप बोल दो, बात नहीं मैडम, आपके अकॉर्डिंग मेरी इंटेंशन ये है तो ठीक है आप एग्री। हर बार फेक कमिटमेंट देके ना आपको खुद का रिकॉर्ड खराब कर मैं रहे हो आज सर, आपको कोई कमिट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा ना, मैंने क्या कहा है कि मेरे पास आपने अरेंज पहली होगा, कमिटमेंट मेरा अभी सर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, क्राइसिस सर सारे है रिकॉर्ड मैंने और आपको एक्चुअल बता में दिए, इसलिए है। कमिटमेंट नहीं दे रहे हो आप सर, आप नहीं मैंने आपको सारी मैंने कोई बता दी कमिटमेंट ना, नहीं करी, आपके एग्जीक्यूटिव भी पूछते ठीक है सर आज ही होगा, सर आज ही होगा, मैं इतने बजे कॉल करूंगा, अरे यार तुम अरे सुनते तो ही नहीं आपकी हो किसी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी आप है लोग ना सर, सुनते क्या हो पेमेंट किसी करो, की, आप लोग सुनते हो आपकी किसी की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग होनी पता है कब से चाहिए, सुनते हो, सुनिए आप लोग पता है कब सुनते हो, जब आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है तब आप कस्टमर की सुनते हो, सेल होने के बाद में ना फिर आप किसी की नहीं सुनते, आप सोचते हो हम है जो हमने बोल दिया कस्टमर सामने वाला पागल है, पागल नहीं है मैडम, कस्टमर पागल नहीं है, आप समझते होगे पागल लेकिन कस्टमर पागल नहीं है ठीक सर है। पेमेंट पेमेंट के लिए कॉल किया हमने आपको, कुछ सेल करने के लिए कॉल नहीं किया हुआ यहाँ पे,
जो पेमेंट यूज किया ना बैंक आपने, वही पेमेंट मांग रहे हैं आपसे सर। हाँ, वो उसी आपने पेमेंट खुद की का बात कर रहा हूँ मैडम, मेरे सर। पास अरेंज होने दो, मैं आपका ये कर करा के सेटल करके होगा खत्म सर, कर दूंगा। 3 महीने में नहीं पेमेंट अरेंज कोई होगा नहीं सर, मैडम, वो आप एनपीए कर दो, जो आपको लीगली एक्शन लेना है वो ले लो। वो और तो सर बताइए, बैंक अपने हिसाब से वर्क कोई करती नहीं है ले सर, लीजिए उसमें मैडम, कोई आपको बात नहीं, बताने की अभी जरूरत अभी नहीं सर। नेक्स्ट मंथ में जैसे भी लोक अदालत होगी मैं खुद जाके वहां पे करा लूंगा। और बताइए, और बताइए, आपको गुंडे भेजने, गुंडे भेजिए, बताइए। सर आशा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन समझ गया, आप अनएसरी का डिस्प्यूट करें, मैं आशा का कॉल नहीं नहीं दिखा कर नहीं आपका कीमती समय देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू मैडम।